नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है डिजाइन कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रिक्स। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्वांटिटी एस्टिमेशन के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में हम जो जो चीजें देखने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश कर दूं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे एस्टिमेशन की डेफिनेशन, उसके बाद में देखेंगे एस्टिमेशन हम किस लिए करते हैं, पर्पज ऑफ द एस्टिमेशन, टाइप्स ऑफ द एस्टिमेशन, एंड उसके बाद में मैं आपको क्वांटिटीज सिखाने वाला हूँ। तो उसकी अपकमिंग वीडियो की जो शेड्यूलिंग है मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो डायरेक्टली हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं डेफिनेशन ऑफ एस्टिमेट। तो देखो, एस्टिमेशन क्या होता है। एन एस्टिमेट डिफाइन एज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द प्रोबेबल क्वांटिटीज एंड कॉस्ट ऑफ वेरियस आइटम्स रिक्वायर्ड इन कनेक्शन विद द वर्क। तो एस्टिमेशन में क्या होता है, हम क्वांटिटीज निकालते हैं, कॉस्ट निकालते हैं उस पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर वर्क है जिसे हम करना चाह रहे हैं, उसके लिए जो क्वांटिटीज, मटेरियल की क्वांटिटी बोली है, उसके लिए कॉस्ट कितनी लगेगी, ये सारी हमें चीजें हमें सबसे पहले निकालनी है। इस चीज को बोलते हैं एस्टिमेट। अब एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड बाय कैलकुलेटिंग द क्वांटिटीज from the dimension on the drawings for various items required to complete the project and multiply by the unit cost of that item, ठीक है। तो सबसे पहले हम drawing को use करते हैं quantities को निकालने के लिए। जब हमें quantities मिल जाती है तो उसकी जो यूनिट कॉस्ट होता है उस पर्टिकुलर आइटम का, उसको मल्टीप्लाई करके हम उसकी कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है। अब तो ये सारी चीजें एस्टिमेशन में आती है। अब इसके बाद में हम ये चीजें करते क्यों है, इसके जो हाईलाइट है मैं आपको दिखा दूं। तो सबसे पहले देखो, टू नो द अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है। हमारा जो प्रोजेक्ट है उसे कंप्लीट करने के लिए कितना पैसा हमें लगेगा, ये हमें निकालना है, इसीलिए एस्टिमेशन जरूरी है। अब टू नो द क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क, जो हम कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं उसके लिए जो मटेरियल्स लगने वाले हैं उसकी क्वांटिटीज कितनी होगी, इसको फाइंड आउट करने के लिए एस्टिमेशन जरूरी है। उसके बाद में टेंडर्स को इनवाइट करने के लिए, बिल्स बनाने के लिए फॉर पेमेंट्स, उसके लिए भी एस्टिमेशन की जरूरत पड़ती है। टू जस्टिफाई द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, ठीक है। जो इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टर है, उसको हमें दिखाना है कि किस तरह से उसको उसका पैसा मिलने वाला है। उसके बाद में टू फिक्स अप द कंप्लीशन पीरियड फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ वर्क इन्वॉल्व इन द एस्टिमेशन, ठीक है। तो हमें एक शेड्यूलिंग तैयार करनी है उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए एक प्रिपेयर्ड एक पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, पीरियड में। तो उसके लिए भी हमें एस्टिमेशन की जरूरत पड़ती है। टू असिस्ट द रिक्वायरमेंट, ये चीज देखें, टू असिस्ट द रिक्वायरमेंट टूल्स प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स टू कंप्लीट द वर्क अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम। जो हमारा वर्क है उस कंप्लीट करने के लिए जो अलग अलग टूल्स प्लांट्स और इक्विपमेंट्स लगेंगे, उसके लिए भी हमें एस्टिमेशन करना जरूरी है, क्योंकि उसी के थ्रू हमें ये सारी चीजें मिलने वाली है और हम उसको सबसे पहले मंगवा लेंगे, ठीक है। अब ये होता है पर्पज ऑफ एस्टिमेट, हम एस्टिमेशन क्यों करते हैं, आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम देखने वाले टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। तो मैं आप लोगों को बता दूं, बेसिकली दो तरह के एस्टिमेट्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में क्या होता है, इट गिव्स द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द वर्क एंड इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट सिमिलर वर्क इज कैरिड आउट इन द पास्ट, ठीक है। तो इसका जो एस्टिमेशन हम करते हैं और जो कॉस्ट हम निकालते हैं, जो वो डिपेंड करता है जो पास्ट में हमने वर्क किया है उसके कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। उसी को हम मैनिपुलेट करके, उसी को हम कंसीडर करके जो अप्रोक्सीमेट हमारा जो कॉस्ट लगने वाला है वो निकालते हैं। इस मेथड को बोलते हैं अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन मेथड। उसमें अलग अलग मेथड्स आपको देखने को मिलेंगे जो आगे चलकर हमें देखने हैं। और एस्टिमेट का जो सेकंड टाइप है वो है डिटेल एस्टिमेट। तो डिटेल एस्टिमेट में क्या होता है, हमें एक प्रिपेयर्ड कंप्लीट सेट ऑफ ड्राइंग लगती है जिसकी मदद से हम डिटेल एस्टिमेशन करते हैं, क्वांटिटीज निकालते हैं, कॉस्ट निकालते हैं। तो ये सारी चीजें हमें करने के लिए एक
कंप्लीट सेट ऑफ ड्राइंग हमें लगती है। तो उसके बाद में जो हम एस्टिमेशन करते हैं वो होता है हमारा डिटेल एस्टिमेशन, ठीक है। और एग्जिस्टिंग जो पास्ट में वर्क प्रोजेक्ट हुए उसके ऊपर जो हम एस्टिमेशन करते हैं वो होता है हमारा अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको जो वीडियोस दूंगा वो हो गए डिटेल एस्टिमेशन के ऊपर, ठीक है। अब उसके रिगार्डिंग जो हम क्वांटिटीज निकालेंगे वो कौन कौन सी क्वांटिटीज हम आगे आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं यह मैं आप लोगों को एनलिस्ट कर दूं। तो सबसे पहले हमारा वीडियो आएगा कि फाउंडेशन के लिए जो एक्सकेवेशन हम करते हैं उसकी क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद में पीसीसी की क्वांटिटी फॉर द फाउंडेशन, उसके बाद में यूसीआर मैसनरी जो हम फाउंडेशन में यूज करते हैं उसकी क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। यूसीआर मैसनरी मीन्स अनकोर्स रबल मैसनरी, ठीक है, उसकी क्वांटिटी निकालना सीखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कोर्स रबल मैसनरी जो प्लिंथ लेवल में हम यूज करते हैं उसकी क्वांटिटी निकालना सीखेंगे। उसके बाद में डीपीसी जो डैम प्रूफ कोर्स होता है प्लिंथ लेवल में हम यूज करते हैं उसकी क्वांटिटी निकालना सीखेंगे। प्लिंथ बीम बन जाने के बाद जो फिलिंग होता है जो मुरुम के मदद से हम उसको फिल करते हैं उसकी क्वांटिटी कैसे निकालते हैं वो सिखाऊंगा। उसके बाद में सुपर स्ट्रक्चर में जो हमारे पार्टीशन वॉल्स होते हैं जहां पर भी हमारा ब्रिक वर्क आता है उसकी जो ब्रिक की क्वांटिटी है वो कैसे निकालते हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। उसके बाद में एक्सटर्नल और इंटरनल प्लास्टरिंग की जो क्वांटिटीज है वो कैसे निकालते हैं इसके ऊपर अलग वीडियो आएगा। उसके बाद में जो फ्लोरिंग है उसके रिगार्डिंग जो क्वांटिटीज है उसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोज में देखने वाले हैं। और साथ ही में जो वाटर सप्लाई सैनिटरी अरेंजमेंट और इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए जो अलग अलग चीजें हमें कंसिडर करनी है रिडक्शन कंसिडर करना है ये सारी चीजें हम आगे आने वाले वीडियोज में देखने वाले हैं। तो इस तरह के जो वीडियो शेड्यूल आपको देखने को मिलेगा हमारे चैनल के ऊपर। और साथ ही में जो हमारे एग्जिस्टिंग सीरीज ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी और जो रिक्वेस्टेड टॉपिक है उसके ऊपर चल रही है वो भी आपको वीडियोज मिलते रहेंगे। और इसके साथ में अब आपको ये जो क्वांटिटी एस्टिमेशन है इसके ऊपर भी वीडियो मिलने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस यही सारी चीजें आपको मैं बताने वाला था। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एस्टिमेशन के रिगार्डिंग जो मैंने आपको बताया उसका जो कंटेंट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, वहां पर जाकर उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। Oh, 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 oh